वस्तुओं के निर्यात में तेजी का सिलसिला जारी है। इस साल नवंबर में वस्तुओं का निर्यात पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 26.49% और नवंबर 2019 के मुकाबले 15.93% बढ़ा। हालांकि नवंबर के आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 57.18% की बढ़ोतरी रही। इस वजह से व्यापार घाटे में 128% की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल अप्रैल से नवंबर तक $262.46 अरब मूल्य का निर्यात किया जा चुका है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में $400 अरब का निर्यात लक्ष्य रखा है। बुधवार को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष नवंबर में 29.88 अरब मूल्य का निर्यात और 53.15 अरब का आयात किया गया। वहीं पिछले साल नवंबर में 23.62 अरब का निर्यात और 33.81 अरब का आयात किया गया था। इंजीनियरिंग गुड्स का प्रदर्शन नवंबर में भी काफी अच्छा रहा और इसके निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 36.98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेम्स व ज्वेलरी के निर्यात में 11.10% की गिरावट रही। वहीं फार्मा निर्यात में भी इस अवधि में 7.03% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में 29.83%, प्लास्टिक निर्यात में 42.80%, समुद्री उत्पाद में 28.53%, केमिकल्स में 32.54%, कॉटन यार्न फैब्रिक में 40.72% और सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स में 2.72% की उछाल देखा गया। नवंबर में सोने का आयात में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 39.67% की बढ़ोतरी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।